नमस्कार, मैं आलोक कुमार सिंह। आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं के लिहाज से आज की खबर शीर्षक के अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय दोस्तों, इसे तैयार करने के लिए हम प्रत्येक दिन बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको बहुत सारी अखबार न उठाने पड़े और अखबार को पढ़ने में बहुत सारा समय न खर्च करना पड़े। तो प्रस्तुत करते हैं आज की ताज़ा खबर। आज की हेडलाइंस इस प्रकार से है, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास व्रज प्रहार जयपुर में शुरू हुआ। पीएम मोदी ने हरियाणा के पलवल में भारत के पहले श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की नींव रखी। नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर 27वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई। महिलाओं का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन रांची में आयोजित हुआ। ग्लोबल प्रतिभा रैंकिंग में भारत 2 स्थान गिरकर 53वें स्थान पर पहुंचा। फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2018 की सूची में एडोब सीईओ शांतनु नारायण। यस बैंक के निदेशक आर चंद्रशेखर ने इस्तीफा दिया। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने एयर सेवा 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। किलोग्राम सेकंड और मीटर की दुनिया की मानक परिभाषा को फिर से परिभाषित किया जाएगा। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्याभ्यास व्रज प्रहार जयपुर में शुरू हुआ। आइए हम आज के हेडलाइंस का विस्तार पर चर्चा करते हैं। 19 नवंबर 2018 को व्रज प्रहार जयपुर में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक 12 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। अमेरिकी सेना में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत कमांडर और विशेष बल समूह के 10 अन्य रैंक शामिल हैं। दोनों सेनाएं बंधक बचाव, हस्तक्षेप, रेगिस्तान अस्तित्व, चिकित्सा सहायता और मुकाबला फायरिंग सहित विभिन्न पहलुओं पर अभ्यास कर रही हैं। हम आपको बता दें कि विभिन्न देशों द्वारा परस्पर सद्भाव और रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष सैन्य अभ्यास आयोजित किए जाते हैं। इनमें से प्रमुख सैन्य अभ्यास इस प्रकार हैं: भारत अमेरिका और जापान के संयुक्त सैनिक अभ्यास को मालाबार, भारत और रूस के संयुक्त सैन्य अभ्यास को इंद्र, भारत और जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास को धर्म गार्जियन, भारत और सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास को सिम्बेक्स, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास को मित्र शक्ति तथा भारत और इंडोनेशिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास को गरुड़ शक्ति के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पलवल में भारत के पहले श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की नींव रखी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार से हैं: वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसे कुंडली मानेसर पलवल खिंचाव भी कहा जाता है, दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन का 3.2 किलोमीटर लंबी एस्कार्ट गुज्जर बल्लभगढ़ गलियारा। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से 50,000 से अधिक भारी वाहनों को दिल्ली से अलग किया जाएगा। यह 136 किलोमीटर लंबाई वाला लेन है। यह एक 6-लेन एक्सप्रेसवे है। यह 6400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह हरियाणा के उत्तरी और दक्षिणी जिलों के बीच उच्च गति वाला लिंक पेश करेगा। वहीं दिल्ली मेट्रो की एस्कार्ट गुज्जर मुजर बल्लभगढ़ गलियारा 2 लाख से अधिक लोगों के लिए यात्रा आसान बना देगा। उल्लेखनीय है कि बल्लभगढ़ मेट्रो से जुड़ने वाला हरियाणा का 4वां शहर होगा। इससे मेट्रो की कुल लंबाई हरियाणा में 29 किलोमीटर हो जाती है। नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर 27वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक संपन्न हुई। यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की। मंत्रियों ने UNFCCC के तहत अपनाए गए पेरिस समझौते की आज तक 184 अनुमोदनों का इस बैठक में स्वागत किया। 2020 के बाद वैश्विक जलवायु समझौते के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों ने पेरिस समझौते कार्यक्रम के तहत अपनी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया। महिलाओं का 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन रांची में आयोजित किया। ग्लोबल प्रतिभा रैंकिंग में भारत 2 स्थान गिरकर 53वें स्थान पर पहुंचा। भारत 20 नवंबर 2018 को स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध IMD बिजनेस स्कूल द्वारा जारी वैश्विक वार्षिक प्रतिभा रैंकिंग में 2 स्थान गिरकर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड लगातार 5वें साल के लिए शीर्ष स्थान पर है।
वहीं डेनमार्क को दूसरी रैंकिंग मिली है, जबकि नॉर्वे ने तीसरी रैंकिंग हासिल की है। स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान बनाए रखा है। उल्लेखनीय कि 2017 में भारत 91वें स्थान पर था, लेकिन इस वर्ष भारत का स्थान गिरकर 53वां हो गया है। सिंगापुर एशिया क्षेत्र के सभी देशों में सबसे बेहतर 13वें स्थान पर रहा, जबकि चीन का 39वां स्थान रहा। हम आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड जो कि इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा, उसकी राजधानी बर्न है और स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। फॉर्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2018 की सूची में एडोब के CEO शांतनु नारायण। भारत अमेरिकी शांतनु नारायण एडोब के मुख्य कार्यकारी का नाम फॉर्च्यून ने 2018 बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर सूची में रखा है। 50 वर्षीय शांतनु नारायण सूची में 12वें स्थान पर हैं। यस बैंक के निदेशक आर चंद्रशेखर ने इस्तीफा दिया। यस बैंक के एक स्वतंत्र निदेशक आर चंद्रशेखर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यस बैंक से इस्तीफा देने वाले आर चंद्रशेखर तीसरे व्यक्ति हैं। यस बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। यस बैंक की टैगलाइन है, हमारी विशेषता का अनुभव करें। यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई। दोस्तों, आइए हम आपको प्रमुख बैंकों के कुछ मुख्यालयों से परिचित कराते हैं। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता है। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई है। केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु है। PNB का मुख्यालय नई दिल्ली। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई। देना बैंक का मुख्यालय मुंबई। SBI बैंक का मुख्यालय मुंबई। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय मणिपाल। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता। ICICI एवं HDFC इन दोनों बैंकों के मुख्यालय मुंबई में है। केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने एयर सेवा 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सुरेश प्रभु वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने नई दिल्ली में एयर सेवा 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप का अपग्रेडेड संस्करण लॉन्च किया। किलोग्राम सेकंड और मीटर की दुनिया की मानक परिभाषा को फिर से परिभाषित किया जाएगा। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर की 26वीं बैठक वर्सल्स फ्रांस में आयोजित की गई है। 20 मई 2019 को नई परिभाषा लागू हो जाएगी। किलोग्राम की परिभाषा 1889 में पेरिस में आयोजित पहले CGPM द्वारा स्वीकृत प्रोटोटाइप के द्रव्यमान से बदल दी गई है और BIPM में प्लैंक स्थिरांक में निक्षिप्त की गई है, जो भौतिक स्थिरांक है। इस तरह मीटर की परिभाषा को प्रकाश की गति से जोड़ने के लिए बदल दिया गया है। समय की परिभाषा में भी बदलाव आया है। प्रिय दोस्तों, आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से रहीं। आपने हमें सुना। अगर आपको आज की खबर शीर्षक के अंतर्गत टारगेट विद आलोक चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आपकी परीक्षाओं में एक मील का पत्थर साबित होगी, हम इसे लंबे समय तक चलाने के लिए इच्छुक हैं। हम चाहेंगे कि आप कमेंट कर प्रत्येक दिन हमें बताते रहें कि आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी। साथ ही आप इसे शेयर कर हमें प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। आलोक सिंह की तरफ से